हंसराज का। गो हंसराज, गो हंसराज, गो जानवी। कॉलेज की नाट्य संस्था नटवे प्रस्तुत करती है एंगर इश्यूज पर आधारित अपने नुक्कड़ नाटक मामला गरम है। हेलो हेलो, हां जी मैं कोर्ट में हूँ। अच्छा तुसी कोर्ट चो? हां हां असि वी दोनों कोर्ट चिया। मिलो मिलो मिलो। अरे सर जी कैसे हैं? हेलो हेलो, मेरे केस का क्या हुआ? अरे केस की तो टेंशन लीजिए मत, इतनी ऊपर तक हमारी पहुंच है। मां कदम एक सेकंड में पीएल फाइल करता हूं और नोटिस एक हाथ से नोटिस भेजूंगा और दूसरे हाथ से हां इंडिया। कैसे आते मेरे साहब जी के बारे में तो सुना ही होगा? ओ नहीं तुम्हारे साहब जी? अरे सरदार खान का नाम सुना आपने? सुना है, सुना है। उनका बेटा दानिश खान, उनका छोटा भाई फैजल खान, फैजल खान बका का लगा भाई का, उनका कुत्ता रेप केस में फंस गया था। फिर क्या, मेरे साहब जी ने तो बचाया उसे। क्या बात है, क्या बात है। अरे आपके साहब जी है कहाँ? ऐसा रुद्र सा जैसे पर्वत अग जैसा। अरे भाई साहब प्लीज मेरा केस फाइल कर दो वरना मुझसे गुनाह हो जाएगा। चांद वीर चांद, अपने केस के बारे में बताओ। ठीक है, तो 14 फरवरी को मैं अपने घर से निकला लवर के, शाम को बहुत तेज बारिश हो रही थी। ओह माय गॉड, एक गड्ढे में पानी ऊपर तक भरा था, स्विमिंग पूल। और बहुत दूर से एक ऑटो आया, और गड्ढे में मुझे भिगो दिया। Oh my God! मुझे गुस्सा आ गया। आप कौन गुस्सा आया? इसमें आपकी कुछ गलती नहीं थी। सुन के बता देता हूँ केस क्या है। धुन्नी लाल अमित दशमिश, ऑटो वाले की गलती लगती है, पूरे 5 साल की सजा मिलेगी। लेकिन सर
भी तो हो सकती है ना भाई। अब उम्र कैद होगी, आप 5 साल की सजा, ये तो इसके पहले के केसेस बताएंगे। हेलो हेलो, इनका फेस्ट आ रहा है, इनको फेवरेट स्लॉट दो, इनको बुलाओ मत। अगली प्रॉब्लम तक ये कॉलर रिंग सुनिए।
की बाजार जिंदगी की तरह मसल में भी तनाव पैदा करती है। बोल दिया ना, हाथ उठा लो। अरे दो ही तो आते मेरे, 10 दिन का काम 10 दिन में ही होगा, इसलिए बार बार फोन करके मेरा दिमाग मत खराब करो। अगली प्रॉब्लम तक ये कॉलर ट्यून सुनिए। जाने। अच्छा सुनो, आज मेरी प्रेजेंट
ऑफिस जाओ फिर तुम्हारे ताने खेलो। तुम्हें क्या लगता है तुम भी ऑफिस जाते हो? मैं कोई काम नहीं करती, ऑफिस जाती हूँ, वहाँ का सारा काम करती हूँ, घर पे आती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, तुम्हें संभालती हूँ। ठीक है ना मेरी माँ? औरतें हैं ना, अपना गुस्सा सिर्फ चीजों पर ही निकाल पाती है या फिर उसे
अंदर दबाने दिए, उनको अपना गुस्सा चलाने ही कौन देता है। बिल्कुल ठीक कहा अम्मा जी, बिल्कुल ठीक। मिस्टर रेमंड जाने माने साइकोलॉजिस्ट के अनुसार और तेज ज्यादा वक्त के लिए गुस्से में रहती है पर जता नहीं पाती, और आदमी आसानी से जता देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके गुस्से की जो वजह है वो जाके आप किसी के साथ साझा करिए या अपने किसी दोस्त को बताइए, अपने मन में ना रखिए। और अगर बात यहाँ भी ना बने तो किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। गया था मैं साइकोलॉजिस्ट के पास, उसने तो बस मुझे एक खाली डब्बा पकड़ा दिया। अरे भाई, तो उस डब्बे को अपनी मन पसंदीदा चीजों से भरिए, जैसे कि चॉकलेट या अपने परिवार की एक तस्वीर। तो तुम्हारा ये कहने का मतलब है मैं जहाँ भी जाऊँ अपने साथ ये डब्बा लेकर घूमूं? गलत। ये आपका जो फोन और वॉलेट है ना, ये भी तो आप ही का एक डब्बा है, इसमें अपने परिवार की एक तस्वीर रखिए या कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको अच्छा महसूस हो, समझे? ठीक है भूषण, आज के लिए बहुत अच्छा। अरे भूत सिंह बेटा, जरा हमारी बात सुनो। सुनाओ। सहारा तुम नहीं बेटा, तुम इतने समझदार हो। सो तो मैं हूँ। इतनी ज्ञान की बातें करते हो। बिल्कुल सही। तो तुम्हारे बोर्ड वाले स्कूल की स्पेलिंग कौन ठीक करेगा? अम्मा अम्मा जी, एक एक, एक स्पेलिंग ही तो है, रहने दीजिए ना। और फिर अगर दुनिया में सब कुछ सही हो ही गया, एक कुर्ता और चुन्नी पहनने का मौका हमें दोबारा कैसे मिलेगा?